नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRDL ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग, अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं मच्छमणि। ये आपको हम पहले दिखाएंगे और इसकी कुछ जानकारी देंगे। ये मच्छमणि है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी कुछ जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRDL ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक कर दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप ये देख रहे हैं ये मच्छमणि है। अब मच्छमणि दोस्तों आप ऑनलाइन लें तो थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि कई सारी वेबसाइटों पर मच्छमणि तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। कोई 500 रुपए की दे रहा है, कोई 300 रुपए की दे रहा है, कोई 1000 रुपए की दे रहा है, कोई 800 की दे रहा है, कोई 2000 की दे रहा है, सब अलग है। लेकिन मच्छमणि एक फिक्स कीमत नहीं होती है, गुणवत्ता के ऊपर इसकी कीमत नक्की होती है। बहुत से लोग सादा जो मछलियां होती हैं उनके माथे में निकलने वाला एक पत्थर, एक जो मोती जैसा होता है, उसको ही मच्छमणि करके दे देते हैं, लेकिन वो असली मच्छमणि नहीं होती। और मच्छमणि जो होती है दोस्तों ये हर जगह नहीं मिलती है। ये श्रीलंका का जो समुद्र है जिसे सिलोनी सागर कहते हैं, उस समुद्र में बहुत ही गहराई में एक विशेष प्रकार की मछली के पेट में होती है, न के माथे में। और वो मछली को जो वहाँ के मछुआरे होते हैं, ये ऐसा नहीं कि हर मछली में निकलती है, हर मछली में जो होता है वो एक मोती टाइप का होता है, वो सभी में होता है और दो दो होते हैं। लेकिन मच्छमणि जो होती है ये विशेष प्रकार की एक मछली होती है, जो कि पूर्णमासी के दिन रात में उसको पकड़ते हैं तो उसी दिन निकलती है, बाकी दिन वो लुप्त रहती है। तो मच्छमणि जो मछुआरे होते हैं तो उनको पता होता है, जो अनुभव वाले होते हैं, कि मच्छमणि किस में निकलेगी। तो पूर्णमासी की रात को जब वो मछली पकड़ते हैं तो वो मच्छमणि जो मच्छमणि वाली मच्छी होती है उसको पकड़ के उसको दबाते हैं उसका पेट, तो वो मुंह से उसको उगल देती है, और उगल देने के बाद वो मणि ले लेते हैं और बाद में मछली को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें दोबारा मच्छमणि उत्पन्न हो। और मच्छमणि वाली जो मछली होती है वो प्रत्येक वर्ष एक मच्छमणि उत्पन्न करती है। और इस तरीके से ये मच्छमणि प्राप्त करने के लिए कोई भी जीव हिंसा नहीं की जा सकती है। लोग ऐसा बोलते हैं मछली को मार के निकालते हैं, वो चीज गलत है, मछली को मार के मच्छमणि प्राप्त नहीं होती। अब हम आते हैं इस पे फायदे क्या। तो दोस्तों मच्छमणि के फायदे इतने हैं कि आप विचार भी नहीं सकते। मच्छमणि अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको जरूर धारण करनी चाहिए, ये राहु दोष से छुटकारा दिलाती है। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी इस मच्छमणि को धारण करें, काल सर्प दोष से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और ये राहु का रत्न है, आपको बताऊं मैं, ये राहु का रत्न है मच्छमणि, जागृत रत्न जिसको बोलते हैं। और ये कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, और इसे धारण करने से वास्तु दोष भी ठीक होते हैं। घर का मुखिया अगर धारण करता है तो इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और धंधे व्यापार में प्रगति होती है। अगर आप राजनीति में हैं और आप उन्नति करना चाहते हैं राजनीति में, तो आपको मच्छमणि जरूर धारण करनी चाहिए। और अगर आपको डर भय कुछ लगता है, घबराहट होती है, तो भी मच्छमणि धारण करें, क्योंकि राहु का रत्न है और बहुत पावरफुल रत्न है। और इससे शारीरिक जो बीमारियां हैं बहुत सी, जैसे समझो कि आपको हार्ट अटैक, हृदय का रोग है, डायबिटीज है, बीपी है, तो भी आपको मच्छमणि धारण करनी चाहिए। और मच्छमणि धारण करने के नियम हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप धारण करें तो राहु का जो महामंत्र है ओम रा राघवे नमः, इसका 108 जाप करके उसके बाद आप इसको रविवार के दिन शाम को इसको समुद्री नमक के अंदर डाल के रखें, और सुबह में इसको पहले दूध से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें, और उसके बाद ही इसको धारण करें। ये आपको इतने फायदे देगी, इतने लाभ देगी कि आप विचार भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और घर बैठे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं मच्छमणि या तमाम प्रकार की दुर्लभ मणियां हमारे वहाँ उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार के रुद्राक्ष हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार की दुर्लभ सामग्रियां अगर घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं और असली, तो हमें संपर्क करें, क्योंकि मार्केट में मच्छमणि बहुत मिल जाएंगी, पर 99% मच्छमणि जो सादा मछलियों से निकले हुए जो मोती जैसे पत्थर होते हैं वही होते हैं, असली मच्छमणि नहीं होती है। क्योंकि असली मच्छमणि दोस्तों 100, 200, 500, 1000, 2000 में नहीं मिलती है, काफ़ी महंगी होती है, ये
इतनी दुर्लभ चीज रहेगी तो 1000-2000 में कैसे मिल जाएगी, आप सोचो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।